जम्मू कश्मीर के ही कठुआ में बुधवार शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे हीरानगर सेक्टर में तेज धमाके की आवाज आई, जिसके बाद सीमावर्ती गांव में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुनते ही गांव में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। लगभग 9:30 बजे की घटना है जो घटी। अचानक एक इतनी आवाज़ आई जो शायद फर्स्ट टाइम सुनी गई। हर कोई जो था वो अचंभित था और शॉक्ड भी था। मैं खुद, मेरा घर जो है बिल्कुल करीब है बॉर्डर पुलिस पोस्ट से, तो जब ही ये घटना घटी मैंने कंसर्न चौकी ऑफिसर से कॉल किया, पता किया ये क्या हुआ। उनको भी ये सारा शॉक्ड देखा कि अचानक क्या हुआ, तभी मैं इनके पास आ गया 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद हम लोग जो सारे थे पुलिस वाले अपने जो लड़के थे वहाँ गए कि शायद इधर होगा, गुजरों के पास उनको पूछा, उन्होंने आवाज़ें सुनी सभी ने, बट एग्जैक्टली को बता नहीं पाया कि वो लोकेशन कौन सी है। चलो जैसा एक तरीका का रहता है। क्या देखते जहाँ थी पुलिस पोस्ट, कितनी दूरी पे और बॉर्डर कितनी दूर है? बॉर्डर हमारा 4.5। अगर आप अपने राइट साइड देखोगे वो सामने लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये इंटरनेशनल बॉर्डर 4.5 किलोमीटर यहाँ से। और जब ये घटना घटी उसके बाद पुलिस जितनी भी थी, हमारे बॉर्डर DSP साहब आ गए, SHO साहब आ गए, SSP साहब खुद बहुत जल्दी जहाँ आ गए और एक सर्च ऑपरेशन के रूप में जो भी उनको करना चाहिए था प्रतिक्रिया उन्होंने किया अपना एक्शन। अभी क्या मिला आगे जो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जगह लोकेट हुई, तो जब वो जगह लोकेट हुई तो क्लियर हुआ वहाँ पे कैसा हुआ। फिर इन्होंने जो अपनी इनकी एजेंसीज रहते हैं, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, उनको बुलाया गया, उन्होंने भी ये बात एडमिट किया कि जहाँ हुआ है वो घटना, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा बड़ा था, गड्ढा जो दिख रहा था वो मिट्टी उखड़ी हुई थी, फ्रेश था, जो भी था फ्रेश था, वहाँ से क्लियर ब्लास्टिंग यहीं हुई है। तो मैं बरांडा सुते था, कोई सवा 9 बजे, बाकी बच्चे TV दिखा करते थे, मैं TV नहीं देखता, मेरे कोई अखें ही प्रॉब्लम है। तो मैं बाहर मंजे लम्मा पिया, तो बड़ा बार धमाका होया, वो गुआढ़ी लागे पुछे था, हाँ स्कूल उत्थें सिर पर मैच है खड़ूआ दा, उत्थे पटाके ने उठा दे, तो ये सुनया तो सवेरे बस ही दिखा भी इतने बंब पई। कितने बजे हुआ रात? 9:15 बजे। जैसे ये धमाका हुआ मैंने उसी समय अपने पुलिस इंचार्ज जो हमारे चौकी सुमड़ियाँ हैं चौकी अफसर को पूछा जी क्या हुआ। उन्होंने भी मेरी तरह आवाज़ सुनी, बट एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या, कहाँ हुआ। कहते सर आवाज़ मुझे भी आई। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फ़ोन आना शुरू हो गया मुझे। कुदरती बात है कि स्थानीय निवासी जो रिप्रेजेंटेटिव लोग पूछते, और ऊपर से हुआ ही मेरे खुद के गाँव में था, गाँव के साथ पड़ोस है मेरा, यही मोहल्ला है मेरा, खुद यहीं से हूँ मैं। मैंने सभी को बोला यार आवाज़ आई, पता अभी तक मुझे कुछ नहीं है। ठीक 2-3-4 मिनट में पहुँच गए चौकी पे, जो हमारी सारी टीम थी इंक्लूडिंग चौकी ऑफिसर, हम इधर आ गए सारे लगभग देख रहे हैं। फिर जितने भी लोग दहशत में थे, जो तो अपने गांव के थे वो थे ही थे, सराउंडिंग गांव के सारे लोग स्पेशली फ़ोन इसलिए करेंगे मेरे गांव में इंसिडेंट था, उनको पता कुछ होगा पता। मैं सभी को बोल रहा हूँ डरो मत, जो हुआ सो है, बट आगे क्या होता है वो देखते हैं, फिलहाल डरने वाली बात नहीं, क्योंकि धमाका इतना जोरदार कि खिड़कियाँ भी वाइब्रेट की। सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह एक जिंदा ग्रेनेड खेतों में मिला है। इसी तरह हम सरहदी गांव के लोग हैं, तो ऐसा इंसिडेंट वो भी कौन सा वाला, एक तो धमाका जो कल का इंसिडेंट था रात का लेट आवर्स का, आज सुबह की जब बात हुई तो जो एक्सरसाइज चल रही थी पूरी सर्च ऑपरेशन, उसका रिजल्ट क्या निकला, एक तो कल मिल गया था रिजल्ट लेट आवर्स में कि जहाँ पे वो ब्लास्टिंग बॉस लोकेट हो गई जगह, मिट्टी उखड़ी पड़ी थी, तो फिर अपना स्क्वाड आया था बम स्क्वाड, उन्होंने देखा तो मान गए कि जहाँ हुआ। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला, बट रात होने के कारण कोई सॉलिड प्रूफ हाथ नहीं लगा, वो जगह तो थी ही थी। आज डे टाइम में जब दोबारा वो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया इन्होंने, तो लकली क्या हुआ कि एक जहाँ से ग्रेनेड मिला, जहाँ हम खड़े आप रोड पे खड़े हो, ये OSK रोड है हमारा, ओल्ड सांबा वार्ड, इसके बिल्कुल एडजाइनिंग में जहाँ से 20 फुट की दूरी पर वो रोड से 20 फुट, और अगर हम बॉर्डर पुलिस पोस्ट सनियाल देखें तो उसकी दीवार से महज लगा दो 50-60 फुट की दूरी पर वो शैल मिला हमें, शेल इन द फॉर्म के ग्रेनेड। पुलिस की टीमें धमाके के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके की सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 9:30 बजे का वाकया है जिसमें की इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी तेज धमाका था जो कि गांव वालों से पता चला है जी। और हमारी पुलिस पोस्ट भी है यहाँ के संतरी ने भी बताया है कि धमाका काफ़ी तेज था जी। इसके बेस पे पुलिस पार्टीज आ गई, हमारी पुलिस कंपोनेंट SOG की पार्टीज भी आ गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पे
जिसमें कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जो है लोकेट हुआ है। संवेदनशील इलाका होने की वजह से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं।